कमलादाई को, हाँ? पहले सिंघानिया सेठ के बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला के खुद अपने घर ले आई, और अब 1 लाख रुपए पाने के लिए साहिल सेठ को अपने साथ यहाँ ले आई। वाह कमलाताई वाह, क्या बात है। चलो हम भी चलते हैं। विठल, वो सांप राघव बाबा को ले आए। देख रहा हूँ, मान गए तेरी ईमानदारी को, ये जानते हुए भी कि ये लोग राघव बाबा से प्यार नहीं करते, उनके पैसों से प्यार करते हैं। राघव बाबा इनके यहां खुश नहीं थे इसलिए इनका घर छोड़ा। फिर भी मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी, मान गए। साहिल, हम यहां किसी बाई के 2 टके के हस्बैंड को सुनने नहीं आए। एक मिनट लीजिए कमला भाई, आपको शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। राघव मेरे गुरु भाई का बेटा है, और मेरे गुरुजी का आदेश था कि राघव का ख्याल मैं ही रखूंगा। मेरे को मालूम है साहब, लेकिन राघव बाबा आपके घर में खुश नहीं थे, इसीलिए उनको आपका घर छोड़ना था। बस आप राघव बाबा को अपनी बेटी की तरह मान लो। हाँ कमला भाई, राघव मेरा बेटा ही तो है, बस मुझे एक बार मिला तो दोस्त। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। खड़ी टाइम पास क्या कर रही है, दरवाजा खोलेगी? बहुत जल्दी है तेरी मेम साहब को। राघव बाबा, राघव बाबा कहाँ है? राघव राघव बाबा कहाँ चले गए? आई मुझे नहीं पता, वो तो उनका फोन आया और वो बैग लेकर भाग गए। चला गया? क्या मतलब है चला गया? तूने भेजा ना उसको कमला? अगर तेरा शुरू से यही सब प्लान था तो हमको यहाँ पे लेके क्यों आई है तू? मैंने कहा था ना साहब, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। बता ना कमला, कितने पैसे लिए तूने राघव? सेवा शपथ मेम साहब, मेरे को मालूम नहीं था राघव बाबा ऐसे चले जाएंगे। ये आपने सही नहीं किया कमला भाई, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। ओ सेठ, गलत बात नहीं करना मेरी कमला। आपको क्या पता विश्वास क्या होता है, किसे कहते हैं? मेरी कमला कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। और विश्वास बोले तो जिस दिन कमला किसी को धोखा देगी उस दिन देवा पे से विश्वास उड़ जाएगा, समझे? और अगर आप लोगों को उसे धोखा देना होता तो वो आप लोगों को यहां लेकर क्यों आती राघव बाबा के लिए, थोड़ा सोचना। देखो कमला, अपनी आंखों से देखो, ये मिलता है ऐसे लोगों के साथ ईमानदारी दिखाकर। ये लोग इंसानों की इज्जत नहीं कर सकते, तेरी ईमानदारी की क्या खाक इज्जत करेंगे कमला। इसलिए राघव बाबा भागे इनके घर से। ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं दूसरों का अपने फायदे के लिए और कुछ नहीं। ए, डिस्टर्ब है? क्या तुम अभी भी यहां खड़े होकर अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो? काम कर लो, रख तेरे आज तक का हिसाब, और आज के बाद शक्ल मत दिखाई। मैं तुझे अभी इसी वक्त काम पर से निकाल रही हूं, और खबरदार जो आज के बाद मेरे घर में कदम भी रखा तो। चल साहब, आ जा।
कोई मर गया है क्या? हाँ? अरे आज तो दिवाली का दिन है, फिर भी कोई खुशियाँ नहीं। अरे भाई दिवाली वाली मनाओ, कोई मरा वरा नहीं है। फोन आया था अमेरिका से, उसको आज ही टिकट हो गया था तो मैं उसे एयरपोर्ट पहुंचाने गया था। भाई को क्या हुआ है? तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने सच का साथ दिया। अरे अगर सच का साथ नहीं देती तो कमला बाई कैसे कहलाती? हमारे बेटे ने भी अपने दिल की आवाज सुनी। गलत किया उसने? नहीं ना, उसे भी देख सही गलत की पहचान। फिर बेटा तो कमला का है ना? करती क्या हुआ? वो मेम साहब ने आई को नौकरी से निकाल दिया। आई, मैंने वही किया जो मुझे लगा तू करती। सॉरी आई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आई। मेरी वजह से तेरी नौकरी चली गई। नहीं पक्या, तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तेरी वजह से कुछ नहीं हो। कोई किसी की किस्मत नहीं बदलता। तेरे बाबा ने सही कहा है, तूने वही किया जो तुझे सही लगा और मैंने वही किया जो मुझे, बस यही सच है बेटा। अब इस बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। राघव बाबा चले गए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने, अब हम लोग भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तेरे बाबा हमेशा कहते हैं सेवा हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। देवा ने मुझे तुम जैसे बच्चे दिए, मित्तल जैसा पति दिया है, बहुत खुश हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके okay।
वेक अप, उठो चलो, कमला आज से नहीं आने वाली है। क्यों, क्यों नहीं आ रही कमला माँ? नहीं आ रही है बस, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, चलो उठ चल। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी अपनी आंखें, जस्ट गो अवे। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? मैंने कमला को काम से निकाल दिया है, वो आज से नहीं आने वाली है, समझ में आया? अपने आप उठ जा पुक्की, वरना तुझे ना मैं खींच के खड़ा कर दूंगी, समझ में आया? मम्मा को मजबूर मत कर। क्या हो गया? देखो ना साहिल, कैसे जिद्दी बना दिया उस कमला ने इसे। पापा देखो ना, नहीं तो मुझे तंग कर रही है। बाकी चुपचाप उठ जाओ, ये बेकार किसी छोड़ दो, और कमला भाई नहीं आने वाली, दैट्स इट। तो ठीक है, अब सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। Just go away, जाओ यहाँ से, leave my room now, अभी जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? बाकी की याद आ रही है। हाँ बेटा, बाकी बेबी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं उसे एक बार मिलकर बताना चाहती हूँ कि मैं मजबूर हूं, मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है, मुझे जाना चाहिए ना। नहीं, तुम नहीं जाएगी कमला। किस मिट्टी की बनी है तू? तुझे समझ नहीं आता, इतना सब होने के बाद भी तुझे वहां जाना है। भाई, बाकी ठीक होगी, तू उसकी चिंता मत कर। क्या पता मीम साहब बाकी का ख्याल रख रही होगी कि नहीं। उनकी बेटी है, ख्याल रखे नहीं रखे ये वो देखेंगे। तू ये पाकी पाकी करना छोड़, और एक बात समझ ले कमला, ये जो रईसों के बच्चे होते हैं ना, ये भी इनके जैसे होते हैं। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन फालतू में पाकी बेबी को गाली मत दे, जा कल्पी। अरे कल्पी, मैंने गाली दी क्या? नहीं तू बोल, इतना अपमान किया उन लोगों ने तेरी आई का, फिर भी तेरी आई को वहां जाना। पापा, आई कहीं नहीं जा रही है, तू कहीं नहीं जा रही है ना। नहीं कल्पी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुझे स्कूल छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढने जाऊंगी।
से मंदिर में मैं फूल बेचने का काम शुरू कर रहा हूँ, समझी? कहीं नहीं जाएगी तू, बहुत कर लिया काम, आराम कर तू, अपना हाल देखा है, कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अपनी बेटी को देखा है साहिल? सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली और कुछ नहीं खाया उसने, पुकी जैसी ना दूसरी नहीं देखी मैंने। तो अपनी बेटी की रिस्पांसिबिलिटी उठाना सीख लो, अगर पहले ठीक से जिम्मेदारी उठाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज एक भी बच्चा हमारे पास नहीं है। इनफ या साहिल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं कुछ बोल नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलते जाओ। मैं कमला नहीं हूँ जो सर झुका के सुनती रहेगी। तुम लोग लड़ना बंद करोगे और कमला माँ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लड़ना है तो घर के बाहर जाकर लड़ो। ये आपने सही नहीं किया कमला भाई, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। रख तेरे आज तक का हिसाब, खबरदार जो आज के बाद मेरे घर में कदम भी रखा तो। कमला मां, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई मेरे करने में जो तू मुझे ये सजा दे रहा है? कल्पी, तेरी आई अभी तक सो रही? रहने दो ना बाबा, आई को आराम करने दो। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं उठी, इतनी देर तक तो कभी नहीं सोई। ये देखो, रात भर रो रो के पूरा तकिया गीला कर दिया। बहुत तेज बुखार। कमला, हे कमला, कल्पी, पकिया, आई को देख, बहुत तेज बुखार है। आई, आई, पूरा बदन तप रहा है इसका। आई, आई क्या हुआ? आई उठ जाना, आई, बाबा, बाबा आई को क्या हुआ? हे कमला, कमला उठ। आई, आई, बेटा, सर्दी लग रही है। कल्पी, चादर लेके आ, जल्दी, जल्दी लेके आ चादर। तू पैर मत। मैं हेल्दी का दूध बना के लाता हूँ। नहीं नहीं बाबा, बाबा मैं बना लूंगा, अब नर्स देगी। तो बाबा ला। मिठल बहुत दर्द हो रहा है। मत तो बहुत धीरे चल रही। हे कमला, कमला उठ। बाबा, बाबा दूध। आई दूध पी ले। देख, पक्के हल्दी का दूध लेके आया। आराम से, आराम से, आराम।
आज भाव बीज है बेटा। हाँ ठीक है वो पे ये पहले दूध पी ले। आई तू पहले दूध पी लेना। दादा को टीका लगा। आई मैं बाद में टीका लगा दूंगी। आई प्लीज तू दूध पी ले। अरे वो लगा देगी टीका, तू पहले दूध पी। चल जा टीका लगा बेटा। अरे मुझे नहीं लगाना। आई आई तू ठीक हो जा, बाद में सब करेंगे। बकिया आई की बात मान। कमला पहले दूध पी तू। जाकर अरे कल भी लगा दे तू टीका। तेरी आई लक्ष्मी बाई है, नहीं छोड़ेगी। लगा टीका तू जल्दी जल्द।